ये अभी तक आया क्यों नहीं? चैन, मेरी चैन कहाँ गई? हे भगवान, इतनी महंगी चैन थी मेरी, कहाँ गई आखिर? तुम कौन हो? इसके अंदर यहाँ क्या कर रहे हो? इसके अंदर यहाँ क्या कर रहे थे? अरे मैडम, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है? हाँ हाँ ठीक है, मुझे उससे क्या, लेकिन मेरी अभी जेब में चैन थी, वो तुमने चुराई है ना? अरे कैसी बात कर रहे हो मैडम, मैं क्यों चुराऊंगा तुम्हारी चैन? देखो झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने ही चुराई है, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है ही नहीं। हाँ मैंने ही तुम्हारी चैन चुराई है, बताओ क्या कर लोगे अब तुम? अरे ये क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ रहा कि तुम बोल क्या रहे हो। और हाँ चुपचाप मेरी चैन वापस करो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ हाँ मैडम, बेशक से पुलिस बुला लो, पता लग जाएगा तुम्हें भी कि पुलिस किसको लेके जाएगी। अरे ये कैसी बात कर रहे हो, जब चैन तुमने चुराई तो पुलिस भी तो तुम्हें ही लेके जाएगी। अच्छा तो तुम ये पक्का कह सकते हो कि ये तुम्हारी चैन है? हाँ हाँ ये मेरी चैन है। इतना भोला बनने का नाटक मत करो मैडम, मुझे पता है कि तुमने चैन कहाँ से चुराई है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो चैन मेरी नहीं थी, वो चैन मेरी ही थी, और चुपचाप मुझे वापस करो। और हाँ मैडम, मुझे पता है कि इस चैन का असली हकदार कौन है। कौन है? और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम भाई? क्या हुआ मैडम, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अब बोलो कि ये तुम्हारी चैन है, याद आया कुछ? हाँ हाँ हाँ, बस निकल रहा हूँ मैं। सॉरी ठीक। अरे शर्म आनी चाहिए, लड़कियों के चोरी करते हो और वो भी सोने की, अरे हद है। वो तो शुक्र इस भाई ने मुझे बता दिया कि मेरी सोने की चैन चोरी हो चुकी है, नहीं तो आज तो तुम सोने की चैन ले ही जाती और मैं तो बर्बाद ही हो जाता। और तुम्हें पता है, पाई पाई जोड़ के वो सोने की चैन खरीदते हैं और तुम जैसे लड़कियां चोरी कर लेते हैं। अरे उसके दिल पे क्या बीतती होगी उससे पूछो, कि वो कितनी मेहनत से पैसे जोड़ते हैं। पर ये चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। एक काम करता हूँ, इसकी सजा पुलिस ही देगी, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। अरे नहीं भैया, पुलिस को फोन मत करो, मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूंगी, मुझे इस बार माफ कर दो। आगे से करने लायक रहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुमने गलती की है और इसकी सजा जरूर मिलेगी, मैं पुलिस को जरूर बुलाऊंगा। भैया इस बार बस मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी और मेहनत करके पैसे कमाऊंगी, पर इस बार मुझे जाने दो, इस बार माफ कर दो। चलो ठीक है, जाओ यहाँ से। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। अरे कोई बात ना भाई, और ये लो भाई आपकी चैन।